अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने फिज़िक्स 5054 ज़ीरो अक्टूबर नवंबर 2018 को सॉल्व करना है वन टू जो पेपर है ये एम का पेपर है और 40 एम हैं आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट 20 इंशाल्लाह एम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर क्वेश्चंस को विद uh, लॉजिकली हम देखेंगे कि उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है जस्ट आंसर्स uh, नहीं दूंगा उनके उनको प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा नौ सी है सबसे पहला क्वेश्चन है एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री विच रोज डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल एंड द मोशन ऑफ द एप्पल एज इट फॉल्स तो सबसे पहले देखें कि फोर्स क्या लग रही है नहीं लग रही ओबियसली कोई भी चीज़ है सपोज मेरे सामने ये एक बेल है तो ये बेल अगर जो है सपोज दिस इज एन एप्पल और ये नीचे की तरफ किरता है तो नीचे की तरफ किरता है इट्स मीन के डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल पुल है इट इज़ ग्रेटर दैन द अपवर्ड फोर्स अगर दोनों इक्वल होती तो ये ट्री के साथ कनेक्टेड रहता ये जो नीचे आया है ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल आया है तो मतलब ये है कि अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर लग रही है बैलेंस फोर्स होती है या तो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन uh, से डाउनवर्ड आए या रेस्ट पर रहे दो चीजें होती हैं तब बैलेंस होता है तो लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि विद अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी डाउनवर्ड आ रहा है और उसके ग्रेविटेशनल एक्सरेशन की वैल्यू क्या होगी 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि अनबैलेंस फोर्स होगी और जो है वो उसका एक्सरेट करती हुई नीचे आएगी हम इसको यहां पर देख भी सकते हैं यहां देखें बोर्ड के ऊपर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लेट्स मेरे पास ये एक एप्पल है ठीक है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है अगर और इसके ऊपर दो फोर्सेस हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी और एक थ्रस्ट फोर्स है जो कि रिएक्शनरी फोर्स है मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो चूंकि एप्पल जो है एप्पल इज मूविंग डाउनवर्ड सॉरी एप्पल इज मूविंग डाउनवर्ड अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी एफ जी इज ग्रेटर देन द नॉर्मल रिएक्शन कोई भी चीज अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी एयर की वजह से रिएक्शनरी फोर्स तो चूंकि ये नीचे आ रहा है तो दिस फोर्स विल बी ग्रेटर तो इट्स मीन ये क्या है अनबैलेंसड है और दूसरी बात है अगर कोई फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा एक्सेरेट करेगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर अब हम ठीक है जी अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अ टेबल शोज स्पीड्स ऑफ द फोर बॉडीज ए बी सी डी चेंज विद टाइम अगर स्पीड चेंज विद इट विल प्रोड्यूस द एक्सरेशन ठीक है वन द बॉडीज एन एक्सरेशन दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है विच बॉडी हैज एक्सरेशन विच इज नॉट कॉन्स्टेंट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है तो वहां पर क्या चीज प्रोड्यूस होती है एक्सरेशन प्रोड्यूस होता है अब एक्सरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हमने ये चेक करना है कि दिस एक्सरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉट तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका एक्सरेशन यूनिफॉर्म नहीं है उसी को फाइन करना है तो लेट सी है फर्स्ट में देखें आ, आपको मैं पहले एक फार्मूला समझाना चाह रहा हूं उसको देखना है और उसको फिर अप्लाई करना है हमने ठीक है सी है हमारे पास है लेट सपोज एक्सेरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी तो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्सरेशन या इसको हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे डेल्टा वी ओवर टी चेंज डेल्टा मीन स्टैंड फॉर चेंज इन स्पीड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमने ये फार्मूला चेक करते जाना है लेट्स सपोज फर्स्ट ए ऑप्शन में हमारे पास जो है वैल्यूज वो मैं दिखा देता हूँ हमारे पास हैं जी जीरो वन थ्री एंड सिक्स जो ए ऑप्शन है जीरो वन थ्री एंड सिक्स कैसे पता चला जी लुक एट हेयर अब आप देख रहे हैं कि यहां पर फर्स्ट ए में ये जो जीरो वन और थ्री और सिक्स हैं ये स्पीड की वैल्यूज हैं ठीक है और ये टाइम है कि आफ्टर वन से आफ्टर जीरो सेकंड स्पीड जीरो आफ्टर वन सेकंड स्पीड वन आफ्टर टू सेकंड स्पीड थ्री आफ्टर थ्री सेकंड स्पीड सिक्स तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कौन सी होती है लास्ट ठीक है और इनिशियल जो सेकंड है थर्ड है जिस पॉइंट पे आप ले रहे हैं लेट्स हमारे पास इसी को देख रहे हैं जीरो वन थ्री सिक्स को देख रहे हैं सॉल्व करके फाइंड कर रहे हैं ठीक है जीरो वन तो ये जो वेलोसिटी है ये ज़ीरो सेकेंड पर है टाइम दैट इज़ टाइम ठीक है वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट uh, पॉइंट के लिए हम लेट्स सपोज इसको इसको यहाँ देखते हैं चेंज इन यहाँ पे देखते हैं चेंज इन स्पीड तो वन माइनस जीरो वन ओवर वन माइनस टाइम भी वन सेकेंड का है तो दैट इज़ वन आप देखें यहाँ पर इस पॉइंट के लिए देखें एक्सरेशन की वैल्यू थ्री माइनस वन टू और टाइम क्या होगा वन तो आंसर टू आ गया लास्ट पॉइंट के लिए देखें यहाँ पर एक्सरेशन जो है सिक्स माइनस थ्री फाइनल माइनस इनिशियल तो आंसर क्या आएगा बोले थ्री सिक्स माइनस थ्री थ्री और टाइम वन तो आंसर क्या आ रहा है जी यहाँ पर थ्री तो एक्सरिशन यूनिफॉर्म नहीं है कॉन्स्टर्न नहीं है पहले वन था फिर टू था अब थ्री है तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन तो बाकी जो है हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों वो करेक्ट नहीं है उनको भी देखते हैं यहां देखें टू माइनस जीरो टू और फोर माइनस टू टू आ जाएगा सिक्स माइनस फोर तो यहाँ भी टू आ जाएगा तो हर जगह क्योंकि टाइम टाइम तो वन सेकेंड है टू से थ्री वन है, है, है तो टाइम इंटरवल वन सेकेंड का है हमने स्पीड को देखना है तो यहाँ पर चेंज इन स्पीड टू की आ रही है तो एक्सलेशन भी टू भी होगा जीरो माइनस थ्री 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 सिक्स माइनस थ्री थ्री नाइन माइनस सिक्स थ्री तो एक्सरेशन थ्री कॉन्स्टेंट एक्सरेशन आ रहा है सिक्स पॉइंट फाइव माइनस फाइव पॉइंट फाइव वन सेवन पॉइंट फाइव माइनस सिक्स पॉइंट फाइव यहाँ भी हमारे पास जो है वो वन का ही एक्सरेशन कॉन्स्टेंट तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है तो प्रीवियस लेक्चर में ये सॉल्व हो चुका है लेकिन यहां पर फिर मजद इसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो लिंक है अगर ये टूर जाता है तो क्वेश्चन है द लिंक बिटवीन द इंजन एंड द ट्रक ब्रेक्स द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन ऑन द इंजन रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो ड्राइविंग फोर्स जो इंजन पर होगी उसी जिस फोर्स से इंजन पहले मूव कर रहा है जिस न्यूटन फोर्स से उसी से ही मूव करता रहेगा लेकिन इफेक्ट क्या होगा वट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द इंजन एंड द ट्रक अगर ये एक इंजन है मेरे सामने और ये एक ट्रक है अगर ये दरमियान में टूट जाते हैं तो दैट इंजन तो ये उसी फोर्स से जा रहा है लेकिन अब इसके पीछे लोड जो है है वो नहीं ड्रॉप हो गया तो इट विल मूव विद फास्टर स्पीड इट विल मूव विद फास्टर स्पीड एक गाड़ी में दस लोग बैठे हुए हैं और एक गाड़ी खाली है तो आप खुद बताएं कि जिसकी जो खाली एम्प्टी व्हीकल है वो जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी और अगर उसके ऊपर लोड बढ़ा देंगे तो वो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी अच्छा पहली बात है ट्रक की स्पीड इंजन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी दूसरी जो ट्रक है अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लाग रही तो इट विल लेकिन ये पहले से मूव कर रही है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और ये रुक जाएगी तो रुक जाने की वजह यह है कि इसके ऊपर मजीद फोर्स नहीं लग रही लेकिन ऑलरेडी मूव कर रही है तो इट विल टेक सम टाइम आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू तो रेस्ट तो सी ऑप्शन देखें स्पीड नहीं, आ, हमारे पास है जी स्पीड फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड स्टेट कॉन्स्टेंट ट्रक स्लो डाउन नहीं बी ऑप्शन स्पीडअप्स एंड स्लो डाउन तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हमारे पास ट्रक जो हो इंजन जो होगा वो ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेगा और जो हमारे पास ट्रक है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो जाएगी फोर फोर आपकी स्क्रीन पर है ऑन विच कार इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स ठीक है रिजल्टेंट फोर्स किस पे लग रही है इट्स uh, मीन के अगर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही इफ इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो उसके ऊपर भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही ठीक है तो ये देखते हैं क्या बात हो रही है फर्स्ट ऑप्शन में अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड एट कांस्टेंट स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड नो फोर्स इज एक्टिंग अ कार मूविंग अराउंड अ बेंड एंड कांस्टेंट स्पीड तो एक सर्कुलर पाथ पे है तो उसके ऊपर सेंट्रीपीटल फोर्स लग रही है ठीक है है वो कांस्टेंट स्पीड, लेकिन वो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ है ठीक है तो सर्कुलर पाथ पे कोई चीज मूव कर रही हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है दैट फोर्स इज सेंट्रीपीटल फोर्स और वो ही रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज आंसर लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं कार मूविंग अप हिल एट कॉन्स्टेंट स्पीड तो ठीक है इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं है कार दैट इज स्टेशनरी स्टेशनरी चीज पर भी कोई फोर्स नहीं, को नहीं होती बी इज द करेक्ट ऑप्शन द मैसेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स तो हम इसकी बात कर रहे हैं विच पीस ऑफ द अपरेटर्स मे बी यूज्ड टू कंपेयर द मैसेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स तो जब भी हम मैस फाइन करना हो तो हम बैलेंस यूज करते हैं ठीक है यहाँ पर जो है मईरिंग सिलेंडर बताया हुआ है माइक्रोमीटर uh, है मैनोमीटर है तो ये जो है लेंथ मैयर करने के लिए यूज होता है वॉल्यूम करने के लिए यूज़ होता है, और बैलेंस जो होता है वो मैस को फाइंड करने के लिए बाय कंपैरिजन किया जाता है सिक्स ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग चेंज विद दैसेस प्लैनेट एक्स एंड द स्प्रिंग ऑन द प्लैनेट वाई ठीक है कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फ्रॉम दीज क्राफ्स तो हमारे सामने एक uh, जो क्वेश्चन है ठीक uh, है तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है इस तरह का है कि इसमें स्प्रिंग uh, के साथ मैसेज को अटैच किया गया है लेकिन प्लान चेंज हो रहा है तो अगर लेट्स लट्सपोज अर्थ है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल टेन टाइम्स लार्जर है एज टू मून मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सरेशन की वैल्यू होती है और अर्थ के ऊपर वैल्यू होती है 9.8 ठीक है राउंड अबाउट 10 तो इट्स व्हाई आई एम ज्यादा फोर्स लगेगी तो हम अगर ग्राफ को हमने ऐसे नहीं कोई आंसर दे देना हमने इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ वी कैन कैन कैलकुलेट इट तो अगर आप देखें मेरे पास डिफरेंट रीडिंग्स पर यहाँ पर हम टू पे कर लें तो टू पर मतलब टू किलोग्राम पर टू किलोग्राम पर <laughs> वाइट प्लेनेट पर जो वैल्यू आती है एक्सटेंशन की वो टेन सेंटीमीटर आती है टू पर वैल्यू कितनी आ रही है टेन ठीक है अगर मैं इसको स्नाइप टू लेकर मैं ग्राफ को आपके सामने ठीक है जस्ट जी आप स्टूडेंट्स आपने आ, मैं बोर्ड को बोर्ड पे इस डायग्राम को ले गया हूं और वहाँ पे जाके आपको डिटेल से समझाने हूं यहाँ देखिए जब इस टू पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ टेन ठीक है जो लेंथ आ रही है वो <laughs> वो टेन आ रही है इस पॉइंट पे ये पॉइंट तो वाई प्लेनेट हो अगर टू के जी का मैस हो तो लेंथ जो है वो टेन है लेकिन अगर प्लेनेट हो एक्स प्लेनेट पे हम चले जाते हैं तो टू के जी मैस की एक्सटेंशन कितनी आती है थर्टी आती है तो टेन हाउ मच टाइम्स थर्टी अगर टेन को थर्टी बनाना हो तो हमें टेन के साथ थ्री को मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब आंसर थर्टी आता है तो ये हमारे पास जो है वो टेन वाली जो वैल्यू है ये दैट इज़ वाई प्लान और जो हमारे पास थर्टी वाली वैल्यू है वो एक्स है तो मतलब जो है वो एक्स प्लान जो है उसके ऊपर एक्सटेंशन ज़्यादा है फोर्स ज़्यादा लग रही है हाउ मच टाइम फोर्स इज़ ग्रेटर थ्री टाइम्स एज़ कम्पेयर टू वाई प्लान तो अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और उनको डिटेल से देखते हैं जी आपके सामने ये आ, शो हो चुके हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन ए इज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द ग्रेविटेशन दी स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट्स एक्स एंड वाई तो ये बात नहीं हो सकती दोनों का डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं

हाइट ऑफ द पी इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द क्यू एक की हाइट ज्यादा है और एक द डायमीटर ऑफ द पी इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द पी क्यू पी का पी की हाइट क्यू से डबल है और क्यू का डायमीटर पी से डबल है ठीक है एक की हाइट ज्यादा है और एक का डायमीटर ज्यादा है तो दोनों सेम मटेरियल से बने हैं वो पूछना चाह रहा है द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर पी इज़ फोर टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर क्यू दोनों सेम मटीरियल से बने हैं वट एवर देयर डायमेंशंस दे विल भी सेम ठीक है उनकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए द डेंसिटी ऑफ द पी इज इक्वस टू द सलेंडर ऑफ क्यू देखें अगर कोई भी चीज़ सेम मटीरियल से बनी है उसको एक को आपने लेंथ बढ़ा दी है एक की आपने जो है विर्थ बढ़ा दी है डायमीटर बढ़ा दी है और जो है अगर हम इनका सरफेस एरिया लेना चाहें तो वो दोनों का सेम आएगा और सरफेस एरिया अगर सेम आ रहा है तो इट्स मीन के दोनों सेम मटेरियल हैं और सेम जो है उनका सरफेस एरिया है तो इट्स मीन के देयर डेंसिटी विल भी सेम ठीक है क्वेश्चन नंबर एट

और आप उसको जोर से पुश करते हैं टेनिस बॉल जिससे जो है टेनिस का क्रिकेट मैच भी बच्चे खेलते हैं उसको आप पुश करते हैं तो पुश करते हैं तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं ठीक है तो इसी तरीके से वो कहते हैं वर्क जो हुआ है एनर्जी जो लगी है वो ट्रांसफ़र हो रही है एयर मॉलिक्यूल्स को और और रबर को जि, जिस मटेरियल से बॉल बनी है तो क्या चीज ठीक होगी फर्स्ट ऑफ ऑल कैनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर ऑफ ठीक है तो यहां पर जो है uh, हमारे पास कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है कैनेटिक एनर्जी क्योंकि ज़ाहिर है पार्टिकल्स क्लोज आएंगे एक दूसरे के थोड़े एरिया में आएंगे तो वो एक दूसरे से और ज़्यादा फास्ट उनको जब भी किसी एयर मोलिक्यूल को एनर्जी मिलती है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है एनर्जी बढ़ जाती है तो एनर्जी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर ऑफ़ द बॉल ऑटोमेटिकली आप देखें ना अब सन लाइट पड़ रही होती है टायर्स के ऊपर जो है क्या कहते हैं समर्स में तो जो है टायर्स के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं रीज़न क्या होती है पार्टिकल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो फास्ट मूव करते हैं तो फास्ट मूव करते हैं जिसकी वजह से टायर के बस्ट करने का चांस जो है वो बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है टायर गर्म हो जाते हैं तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन पाथ पाथ आर लेड एज शोन एक्स एंड वाई एंड जी पर्सन वॉक अलोंग द पाथ एक्स टू वाई टू जी वो एक्स से वाई की तरफ जाता है वाई से जी की तरफ जाता है और जी से एंड देन बैक टू एक्स तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया दूसरे से तीसरे पे गया तीसरे से वापस आ गया इनिशियल पॉइंट पे वट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी आपको पता है कि वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ठीक है तो वो विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट पॉइंट होता है रेफरेंस से कितना आप दूर होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तो अगर आप किसी पॉइंट से दूर नहीं हुए आप घूम कर वहीं पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ठीक है लेकिन आपने डिस्टेंस कवर किया है डिस्टेंस क्या किया कवर किया है नाउ सी है एक्स से वाई कितना फाइव 12 5 और 12 कितना हो गया 17 17 और z से x दोबारा 13 तो हमारे पास जो है यहां देखें नहीं वो कॉपी कॉपी नहीं हो शो नहीं हो रहा आई डोंट नो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स uh, अब आपकी स्क्रीन पर जो है यहाँ से मैं वर्किंग आपको करके बता देता हूँ कि लुक एट हेयर यहाँ से x से y जो है हमने डिस्टेंस कवर किया है x टू y प्लस y टू z और प्लस z टू x ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट <laughs> यहाँ पर फाइव यहाँ पे टेल्व और यहाँ पर थर्टीन तो टोटल जो है वो बन गया थर्टी तो दैट इज़ अ डिस्टेंस डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो विद रेफरेंस पॉइंट होता है लेट्स सपोज ए से ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है और दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय डी लेकिन ये विद रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओ है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसकी एक डायरेक्शन है लेकिन अगर आप एक पॉइंट से घूम कर वापस उसी पॉइंट लेट्स सपोज ए पे गए हैं और ए से दोबारा आपने क्या किया है वापस इस पॉइंट पे आ गए तो इधर आपका डिस्प्लेसमेंट लट सपोज येलो लाइन जो है वो फाइव है तो ये क्या हो जाएगी माइनस फाइव तो फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा आंसर जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्टेंस जो है वो थर्टी है ठीक है नॉय द नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हमारे पास नाइन का बी ऑप्शन है और आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ आपकी स्क्रीन पर है टेन विच डायग्राम शोज द एडिशन ऑफ द फोर फोर न्यूटन एंड थ्री न्यूटन फोर्सेस तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है uh, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है <laughs> बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं ठीक है अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ए बी सी ऑप्शन मैंने इनको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया ऑप्शन इज द करेक्ट कि वो कहते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो फोर्स जो हमारे पास विद डायग्राम शोज द एडिशन ऑफ द तो हेड टू डे रूल किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है लुक एट हेयर यहाँ पर थ्री और फोर जो है वो ऐड हो रहे हैंड टू टेल में यही होता है कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जॉइनिंग विद द सॉरी हेड ऑफ़ द फर्स्ट वेक्टर जॉइनिंग विद द टेल ऑफ द सेकेंड ये टेल ऑफ द सेकेंड ज्वाइनिंग विद द हेड ऑफ द फर्स्ट तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी जो है फर्स्ट uh, से लास्ट की तरफ है तो दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन लेकिन यहाँ पर जो है अपोजिट है फोर और थ्री तो ऐड हो रहे हैं लेकिन फाइव यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में चला गया है तो आंसर ज़ीरो है यहाँ पर ठीक है तो हम इसको नहीं शो कर सकते क्योंकि ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई है विच इज़ स्ट्रॉन्ग ठीक है यहाँ पर फाइन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ठीक है लेकिन फोर और थ्री ऐड नहीं हो रहे क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट सेंस में है तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पर फोर ऐसे होता और थ्री ऐसे होता तो फिर ये ऐड हो गई फर्स्ट वेक्टर जब एंड हो तो फिर सेकंड स्टार्ट हो यहां पर जो है फर्स्ट डाउनवर्ड है लेकिन फोर्थ की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है हाँ अगर इसको हमने डाउनवर्ड किया था तो इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी फिर ये करेक्ट होता तो ये भी रॉन्ग हो गया ये भी रॉन्ग हो गया दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन द फर्स्ट वन ओके स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर अलेवन 11 में डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ जियोथर्मल पावर स्टेशन तो यहाँ से जो है वो कोल्ड वाटर जो है वो डाउनवर्ड किया जाता है इन किया जाता है यहाँ पर जो है अंडर द ग्राउंड अर्थ की पानी को ऊपर से नीचे की तरफ भेजा जाता है और अर्थ के अंदर क्या है यहाँ पर जो है मैग्मा है लावा है जिसकी वजह से हीट है वो पानी गर्म होकर दोबारा से इस पॉइंट से किसी और पॉइंट से आउट किया जाता है एक साइड से इन किया जाता है दूसरी साइड से आउट किया जाता है तो हो क्या रहा है अगर यहाँ से पानी इन करके गर्म होकर दोबारा से जब सुराख करके बाहर निकाला जाता है तो अंदर कौन सी अंदर जो है वो हीट है और पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होकर उसको टर्बाइन को रन कर रहा है ठीक है तो टर्बाइन रन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो अलेवन का हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन थर्मल एनर्जी हीट से हम इलेक्ट्रिकिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्वेल्व है अ मोटर इज टू लिफ्ट द लोड जीरो हाइट ये है और जो है हमारे पास लोड जो है वो डाउनवर्ड है फोर्स uh, लोड होता है लोड हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है तो हमें क्या फाइंड लोड इज न्यूटन द पावर ऑफ द मोटर इज ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमने ओके आ, मैं एक चीज़ रिवाइज कर दूं थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर अलेवन में मे बी यहाँ से आ, मैंने कहा था कि पानी जो है वो डाउनवर्ड जाएगा और वो ही नीचे जो है अर्थ के अंडर जो है वो मैकमा है लावा है वहां से पानी जब हम इन करेंगे तो वहां से वो गर्म होकर बाहर आएगा स्टीम की फॉर्म में जो कि उस स्टीम का प्रेशर होगा उस प्रेशर से हम टर्बाइन को रन करेंगे और करेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज अलेवन तो टेन का मैंने डिटेल में बताया है आ, जो है यहाँ पर जो है लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था और इसमें हमने क्या यूज किया है यहाँ पर जो है हमने हेड टू टे रूल यूज किया है नाउ गोइंग टू क्वेश्चन ट्वेल्व और यहाँ पर एक मोटर है जो कि पानी को लोड फोर्टी न्यूटन जिसका है उसको लिफ्ट कर रही है और जो है मोटर जो है उस ट्वेंटी न्यूटन ट्वेंटी वॉट उसकी पावर है लेकिन उसकी एफिशिएंसी ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं आपने ये डाटा याद रखना है ठीक है <laughs> हमारे पास है पावर इज इक्व टू वर्क डन ओवर टाइम और हमें तो चाहिए कितने टाइम में वो ऊपर लेके जाएगा W ओवर P अब वर्क डन ओवर पावर वर्क डन को हम लिख सकते हैं F डॉट D फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर पावर लेकिन आपको पावर पावर कितनी है पावर है 20 वॉट लेकिन इसका 25 परसेंट आपने लेना है तो 25 परसेंट ट्वेंटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी आंसर इज अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा फोर टाइम्स फोर फाइव सॉ फोर फाइव वॉट आ जाएगा तो नॉट टेक द वैल्यूज एयर इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं सो टाइम इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है 40 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड उसका लोड है और कितने डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं 0.5 मीटर तक और पावर है 4 ठीक है सॉरी ये 5 ये 5 पावर 5 अगर यहां से हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा एक जीरो और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल फाइव फाइव से कैंसिल तो आंसर क्या आ जाएगा फोर सेकेंड ये फाइव फाइव से कैंसिल हो जाएगा यू विल गेट तो फोर सेकेंड में आपने जो है वो लोड uh, को लिफ्ट कर लेगी मोटर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट

और डेप्थ गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द आंसर्स तो मैं आपको एक सॉल्व करके दे देता और यहां पर एक चीज़ को हम ऐड करते हैं के okay, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई uh, कर रहे थे और मैंने कहा था कि मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं और उस फार्मूला के मुताबिक हमने यही वैल्यूज uh, यूज करनी है इज़ इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच आपको पता है कि रो डेंसिटी है जी ग्रेविटेशनल एक्सरेशन है एच द डेप्थ इनसाइड दिन ये उसकी ब्लड सपोज़ यहाँ तक लिक्विड फिलअप है तो ये उसकी हाइट होगी डेप्थ होगी ठीक है तो डिफरेंट है हम इसको जो है इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ देखेंगे सबसे आंसर क्या आ रहा है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ब्लड सपोज़ हम जो है यहाँ पर एरिया एरिया को आप फिलहाल भूल जाए आपने डेंसिटी और डेप्थ को और Uh, साथ में जो है वो जी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है उसको चेक करना है तो मैं आपको साथ साथ फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ 1.3 पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई फिफ्टी यू गेट द आंसर मैं जी को भी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा उसकी रीजन ये है कि सबके लिए वो सेम आएगा तो सिक्सटी तो सेकेंड जो है सेकेंड जो है पॉइंट एट मल्टीप्लाई एट्टी तो आई गेट सिक्सटी फोर तो पहले में नेक्स्ट वन मल्टी प्लायटी तो सिक्सटी आ जाएगा लास्ट नाइनटी टू पॉइंट नाइन्टी टू मल्टी प्लाय से तो आंसर जो है वो सिक्सटी नाइन दिस इज द ग्रेटेस्ट आंसर तो हमें क्या चाहिए अगर आप देखें हमें चाहिए विच कंटेनर डज द लिक्विड प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो पी इज इक्वल्स टू रो जी एच हमने अप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 14 में ये है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल हैज अ वेट ऑफ 60 न्यूटन 6 न्यूटन एंड मेजर्स दिस डायमेंशन तो आपको पता है कि फार्मूला जो है वो ये है अगर हम इसकी बात करते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम प्रेशर और एरिया का रिलेशन निकालें तो इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर जो एरिया की उसकी डायमेंशन एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स है और लाइक दिस ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसकी डायमेंशन उसने बताई है थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव लट सपोज हम फोर और फाइव लार्जर डायमेंशन लेते हैं ठीक है जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा इनवर्स रिलेशन है क्योंकि फोर्स यहाँ पे फिक्स है फोर्स की वैल्यू हमारे पास है सिक्स ओवर फोर फाइव आर ट्वेंटी तो आंसर कितना आ जाएगा आ, इसको हम चेक करते हैं कैलकुलेटर से वेर इज माई कैलकुलेटर क्रॉस कर दिए कैलकुलेटर जी सिक्स डिवाइडेड बाय ट्वेंटी जीरो पॉइंट थ्री पास्कल कह सकते हैं और जो है हमारे पास जो ऑप्शन अब आ रही हैं उनको हमने देखना है कौन कौन सी ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है जीरो पॉइंट वन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्केयर सेंटीमीटर स्केयर क्योंकि तीनों हमने ये दो एरिया लिए थे फोर और फाइव जितना ज्यादा एरिया लेंगे उतना कम प्रेशर आएगा ठीक है जितना ज्यादा एरिया लेंगे उतना कम प्रेशर तो हमने प्रेशर एरिया जो है फोर और फाइव ले लिया लॉन्गर साइड ले रही है तो प्रेशर कम आएगा दैट इज बी ऑप्शन जीरो पॉइंट थ्री न्यूटन पर सेंटीमीटर स्कोर फिफ्टीन जो है एयर इज ट्रैप्ड इन साइड इन द प्रेशर ऑफ़ द एयर इज पी एंड द लेंथ ऑफ द एयर इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अगर यहाँ पर जो है एयर ट्रैप हो जाती है तो पिस्टन जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर पे होता है जब प्रेशर पी होता है लेकिन पिस्टन इज मूव्ड आउटवर्ड अनटिल द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम हैज इंक्रीज्ड बाय 40 सेंटीमीटर द टेंपरेचर ऑफ द एयर रिमेंस कांस्टेंट तो वो कह रहे हैं कि जब जो एयर ट्रैप हुई थी उसने इसको पुश किया और ये पीछे चला गया 40 सेंटीमीटर तक अब जो न्यू प्रेशर है वो क्या होगा तो आ, इसको लास्ट को हम देख लेते हैं ठीक है स्क्रीन पे हमारे पास आ, जो है इसको मैं क्लियर कर लेता हूं लेट सपोज मेरे पास ये एक पाइप है इसमें दो पिस्टन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पिस्टन और सेकंड पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है और एक पिस्टन यहां पे अब देखें कि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट जो है उसकी जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है तो प्रेशर क्या होता है पी प्रेशर होता है लेकिन अब जो है वो एयर की जो है एयर यहाँ पर ट्रैप हुई थी इसने पिस्टन को डाउन बैकवर्ड मूव किया है और 40 सेंटीमीटर और जो है वो पिस्टन पीछे चला जाता है ठीक है 40 सेंटीमीटर यहाँ पे अब पिस्टन की प्लेस यहाँ पे है। तो अब प्रेशर की वैल्यू क्या होगी लेट्स सपोज 20 प्लस फोर्टी आंसर क्या हो गया 60 मैं 60 को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ वन ये भी वन और ये भी वन अब पिस्टन कितने प्लेस अगर फर्स्ट प्रेशर है तो प्रेशर जो है फर्स्ट टाइम जो प्रेशर है दैट इज पी ओर वन क्योंकि वो एक हिस्सा पीछे हुआ है लेकिन जो न्यू प्रेशर आएगा दैट इज पी डिवाइडेड बाय वन प्लस वन प्लस वन तो पी डिवाइडेड बाय थ्री थ्री टाइम्स प्रेशर कम हो गया है तो दैट इज द करेक्ट आंसर जिसकी वो जिसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है ठीक है तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन थैंक यू स्टूडेंट्स इन आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी और जो बाकी पार्ट्स हैं इन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हर क्वेश्चन की डिटेल बताना बहुत ज़रूरी होती है और अगर वो हम नहीं बताते आ, तो उसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाते और आपके लिए फिर प्रॉब्लम बनता है तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए हर एम सी क्यू का खाली आंसर को आपको ना बताया जाए उसके बिहाइंड जो उसका है उसका नॉलेज है कॉन्सेप्ट है वो आप तक ज़रूर पहुँचना चाहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफ़िज